गाइस वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड। दोस्तों आज के वीडियो में एक धमाकेदार अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं एंड इट्स नॉट अ अपडेट, यू कैन कंसिडर इट एज रूमर क्योंकि ऑफिशियली अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है। तो भाई जितने भी सनी देओल के फैन हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो ताकि मैं सनी पाजी से रिलेटेड इस तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहूं। तो भाई आज के वीडियो का टॉपिक है सनी देओल इन द कॉप यूनिवर्स, सनी देओल इन द सिंघम अगेन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सनी देओल जो हमारे सनी पाजी हैं, बीते दिनों सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाया एंड मेरा कमेंट सेक्शन खचाखच भरा हुआ है कि सनी देओल इन द सिंघम अगेन, पोस्ट क्रेडिट सीन सनी देओल का कैमियो है सिंघम अगेन में। एंड भाई इससे रिलेटेड कमेंट्स इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं मैं क्या ही बोलूँ। और मुझे बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए एंड मेरे सब्सक्राइबर ने बोला एंड मैं ये वो चीज़ ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए भाई आप जो भी चीज़ चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो भाई क्या है रियलिटी, क्या है सच्चाई इस न्यूज़ के पीछे? तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रहा है कि सनी देओल होने वाले हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में एंड रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन को चलाने के लिए सनी देओल को ऐड किया है इस मूवी में। तो क्या ये बात सच है? भाई अगर मैं अभी कंसिडर करूँ तो ये बात सच नहीं है क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कहीं भी ये बात कन्फर्म नहीं है। और जितने भी सुपरस्टार कन्फर्म हुए हैं फॉर द सिंघम अगेन मूवी लाइक टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण जो जिनको एडिशनली ऐड किया गया है, उनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है एंड सिम्बा सूर्यवंशी यानी कि हमारे अक्षय पाजी एंड रणवीर पाजी, इन लोग का तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बीच में जो रूमर आया था कि रणवीर कपूर भी इसका पार्ट हो सकते हैं, बट वो तो आपको पता है कि वो एक रॉड या किसी चीज़ का ऐड था जिसके लिए भाई उसका ऐड हुआ था एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। आपको पता है रोहित शेट्टी कोई भी ऐड करता है तो भाई वो चीज़ मतलब ट्रेंड बन जाती है। तो वही बात है दोस्तों, क्या सनी पाजी का रियल में इसमें कैमियो होने वाला है, क्या ये बात सच है? दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, सनी देओल का कोई भी कैमियो नहीं होने वाला है इसमें। हाँ अगर कैमियो हुआ तो उसे सरप्राइज रखा जाएगा, मैं इस बात को कम्प्लीटली भी डिसएग्री नहीं करूँगा कैमियो नहीं, अगर कैमियो होता है तो भाई उसको सीक्रेट रखा जाएगा। एंड आपको पता है कि जो विक्रम मूवी है उसमें जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन में रोलेक्स आए थे एंड वो पता था कि सूर्या होने वाला है उस पिक्चर में, सबको थोड़ा खबर था लेकिन वो फिर फेक न्यूज़ है बोल के हट गया था। एंड उसके बाद उसमें कैमियो हुआ था रोलेक्स का आखिरी में पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो वो अलग बात है। तो अगर ये कैमियो है तो ये सीक्रेट कैमियो रहेगा क्योंकि जिनको मतलब इनको दिखाना था, जिसके ऊपर इनको पिक्चर बनानी थी फ्यूचर में, उनको जो है उन्होंने साफ साफ दिखा दिया रोहित शेट्टी में लाइक दीपिका एंड टाइगर। बट द थिंग इज दैट ऑल्सो कि अगर सनी देओल का कैमियो हुआ तो वो एक सीक्रेट कैमियो होने वाला है एंड सनी पाजी के फैंस तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि होने वाला है। उन्होंने मान भी लिया कि भाई सनी देओल का कैमियो होने वाला है एंड होगा तो भाई खुश क्यों ना हो। भाई सनी पाजी को चाहिए एक ऐसा डायरेक्टर जो उनको प्रॉपर तरीके से उनके जो मास एलिमेंट्स हैं उसमें जो एक हीरोइज्म है उसको एक प्रॉपर तरीके से पर्दे में दिखा सके एंड वो कोई और नहीं भाई रोहित शेट्टी वो काम कर सकता है। एनीवेज गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना एंड ये बताना जरूर कि क्या अगर कॉप यूनिवर्स में आपको हमारे सनी पाजी देखने को मिलते हैं तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा एंड क्या आप न्यूज़ को सच मानते हो? ये जो न्यूज़ बाहर जा रहा है इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा है, क्या इस न्यूज़ को आप सच मानते हो? ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताते हुए जाना।